लघुत्तम समापवर्तन एवं महत्तम समापवर्तन पाठ 10 कक्षा 6 विषय गणित अभ्यास 10B। चैनल नेम है मैथ क्लासेस गोइन। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं की हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 है 9 के अभाज्य गुणखंड बताइए। तो लिखेंगे 3 × 3, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणखंड 2, 2, 2 और 3 है तो संख्या बताइए। तो लिख देंगे 2 × 2 × 3, इसको गुणा करेंगे 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 3 = 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है एक संख्या के गुणखंड 8 और 3 है, इनके उन उसके अभाज्य गुणखंड बताइए। तो लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 3, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यह 60 के लिए 2 भिन्न भिन्न गुणखंड वृक्ष दिए गए हैं, इनमें ज्ञात संख्याओं को अपने अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 60 है, इसको कटाए हैं 6 बार तो गया है 10 बार, यहाँ पर 6 है 2 बार कटा है तो यहाँ पर भर देंगे 3, फिर यहाँ पर 5 से कटा है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर इसी तरफ ये भी है 60 से 30 आया है कि यानी कि 2 बार कटा है, फिर 2 बार कटा है, फिर यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर अगला पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उनके अभाज्य गुणखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या होता है 9999। इसका अभाज्य गुणखंड करेंगे तो आएगा इसका बराबर, यहाँ पर लिख देंगे 3 × 3 × 11 × 101, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखे और उनके अभाज्य गुणखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 140 लिख देंगे, फिर इसका अभाज्य गुणखंड करना है तो यहाँ पर इस तरफ देंगे, फिर इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 1728 के अभाज्य गुणखंड भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। भाग विधि द्वारा बोला है तो इसको पहले इस तरफ लाइन खींच लेंगे एक बड़ा सा, फिर यहाँ पर लिखेंगे 1728, 2 से कटाएंगे तो 2 × 8 = 16 और 1 बचा, यहाँ पर 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, फिर 2 से कटाएंगे 2 × 6 = 8, फिर 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, फिर 2 से कटाएंगे 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 से कटाएंगे 2 × 1 = 2 = 0, 2 × 8 = 16, 2 से कटाएंगे 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 8, फिर 2 से कटाएंगे 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, फिर 3 से कटाएंगे तो 9 होगा, फिर 3 से कटाएंगे 3, यहाँ पर 3, फिर इसको गुणा तरफ लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1728 बराबर 2 कितना बार है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 6 बार हो गया, फिर 3 3 बार है तो लिखेंगे 3 × 3 × 3, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नांकित संख्याओं के अभाज्य गुणखंड ज्ञात कीजिए। तो सबका अभाज्य गुणखंड ज्ञात करना है तो यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ पर 112 का अभाज्य गुणखंड ज्ञात करेंगे तो 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 से काटेंगे 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 2 से काटेंगे 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 8, फिर 2 से काटेंगे 7 बार फिर आ जाएगा, फिर इसको लिख देंगे 112 बराबर 2 × 2 × 2 × 2 × 7, फिर इसको करेंगे 120 को, यहाँ पर 120 लिखेंगे, 2 से काटेंगे 60, 2 से काटेंगे 30, 2 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1, फिर इसको लिख देंगे 120 बराबर 2 × 2 × 2 × 3 × 5, फिर 135 का करेंगे, यहाँ पर 135 लिखेंगे,
फिर इसको कटाएंगे तीन से, तो तीन से तीन चौके 12, तीन ही 15, तीन से कटाएंगे तीन कम तीन, तीन 15, तीन से कटाएंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 इसको लिख देंगे 135 बराबर 3 × 3 × 3 × 5। फिर अब बच रहा है 140, तो 140 को यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, 140 लिखेंगे, 2 से कटाएंगे तो 2 × 7 = 14, 70, 2 से कटाएंगे तो 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 5 से कटाएंगे 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर लिख देंगे 140 बराबर 2 × 2 × 5 × 7। फिर इस ये 150 है, 150 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो लिख लेंगे यहाँ पर 150 बचा है, तो यहाँ पर चीन लाइन खींच लेंगे, यहाँ पर 150 लिखेंगे, 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 2 × 7 = 14, 1 × 2 = 10। फिर 3 से कटाएंगे तो हो जाएगा 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 5 से कटाएंगे तो 5, 5 से कटाएंगे तो 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 150 बराबर 2 × 3 × 5 × 5। फिर ये बच रहा है 1228, तो 1228 को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर लिख लेंगे 1228, 2 से कटाएंगे तो 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 8, 2 से कटाएंगे 2 × 3 = 6, फिर यहाँ पर 0, 2 × 7 = 14। फिर इसको, फिर ये 307 आ रहा है, तो ये कटेगा नहीं, तो 307 बार कटा देंगे, तो फिर यहाँ पर लिख लेंगे 1228 बराबर 2 × 2 × 307, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहला है 81 और 83, दूसरा है 83 और 87, तीसरा है 81 और 89, चौथा है 83 और 89। तो ये 83 और 89 सही है, लिख देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, वे संख्याएं जिनके दो या दो से अधिक अपवर्तक होते हैं कहलाती है, लिखेंगे अभाज्य, लिखेंगे भाज्य संख्या। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वे संख्या जिनके अपवर्तक एक और स्वयं वह संख्या होती है कहलाती है, लिखेंगे अभाज्य, अभाज्य संख्याएं। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक न तो और नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पर अभाज्य, अभाज्य। क्वेश्चन सारा सॉल्व हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद, जय भारत।